भारत का नाम इंडिया कह करके भारत के लोगों का अपमान अब बंद होना चाहिए। भारत का नाम जो इंडिया रख दिया गया है, इस धब्बे को हमें मिटाना है। भारत के नाम से ही जानना चाहिए, हमारी कल्चर, हमारी जो धर्म है उसके हिसाब से भारत नाम ही होना चाहिए। भारत हमारी माँ है, माँ को ही बढ़ावा देना चाहिए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। को इंडिया माता जय आज तक किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हम इसको भारत के रूप में ही जानते हैं। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनहित आवाज, और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप पीछे देख सकते हैं कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट द्वारा भारत को इंडिया नहीं सिर्फ भारत के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए कि मांग को लेकर इन लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है। आयोजक जय भगवान गोयल, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पे मौजूद है। अंग्रेजों ने हमें जाहिल, हमारी चर्चों में शादियों ने ये मान करके, अनपढ़ गवार मानते हुए हमें हेट के रूप में इंडिया का नाम दिया था। वहीं दूसरी ओर आज पूरा विश्व मेरे सनातन को, मेरी संस्कृति को, मेरे योग को मान रहा है। हमारा देश का नाम भारत आज से नहीं है, बरसों बरसों हजारों सालों से है। महाभारत काल में भी हम भारत थे, हमारे वेदों में प्राणों में इस देश का नाम भारत ही था, मगर अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दे दिया गया। और अभी धीरे 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 देश से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो मिटाए जा रहे हैं। धारा 370 को हटा करके एक बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी गुलामी का प्रतीक था वो। अयोध्या में बाबरी ढांचे को हटा करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इंडिया गेट के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा करके बहुत बड़ा काम हुआ है। हमें लगता है कि समय आ गया है कि मेरे भारत का जो सम्मान पूर्वक नाम है भारत, वो ही रहना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश के हिंदी इंग्लिश में दो नाम नहीं है। अमरीका हिंदी में लो, इंग्लिश में लो, अमरीका ही होता है। पाकिस्तान हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो, पाकिस्तान है। जापान भारत को भारत कहना, भारत को इंडिया कहा जाता है। एक तरफ कहते हैं भारत सरकार, दूसरी तरफ कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो भारत है, ये हमारे पुराने ऋषियों का, मुनियों का, संतों का दिया हुआ नाम है। हमारी ये प्राचीन काल से जुड़ी संस्कृति सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ नाम है। इसलिए आज हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे करके ये मांग करने के लिए आए हैं कि अब समय आ गया है जहां पूरा विश्व मेरे सनातन को, मेरे योग को, मेरे अध्यात्म को मान करके नमन कर रहा है, तो मेरे भारत का नाम भी अब सिर्फ 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 भारत होना चाहिए। इंडियन या इंडिया कह करके 143 करोड़ भारतवासियों का जो अपमान हो रहा है वो बंद होना चाहिए। सभी हम लोग अपने आप को भारतीय मानते हैं, और बाल्यकाल से ही हम भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। को इंडिया माता जय आज तक किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हम इसको भारत के रूप में ही जानते हैं, भारत के रूप में ही मानते हैं, और भारत के रूप में ही जो हमारी एक अपनेपन का जो भाव है वो भारत के रूप में ही प्रकट होता है। इसलिए आज हम अपने संतों के मार्गदर्शन में इस बात को लेकर के आज जंतर मंतर पे धरने के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे देश के लोगों कहना चाहते हैं कि आप उठें। जितने भी भारत के लोग इस देश को भारत के रूप में देखना चाहते हैं, इंडिया नाम हटाना चाहते हैं, उन सब से भी निवेदन है कि इस आंदोलन में साथ आएं, कि आने वाले समय में जल्द से जल्द मेरे भारत का नाम सिर्फ सिर्फ भारत हो, भारत का नाम इंडिया कह करके भारत के लोगों का अपमान अब बंद होना चाहिए। भारत।
तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद है, भारत माता के नारे लग रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी शब्द जो इंडिया है उसको वो भारत चाहते हैं कि भारत कहे, इंडिया नाम से हटाकर। और भी तमाम लोगों से हम खास बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है मैम आपका? विभा आचार्य। जिस तरह से आपने एक हाथ में पोस्टर लिया कि महाभारत के काल में भी भारत नाम का उल्लेख था, तो अब आपको लगता है कि जो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इंडिया वर्ड से हैं वो प्रभावित हो चुके हैं? प्रभावित हो चुका है, इसीलिए हमारी फिर मतलब फिर से बोलना है कि हमारी नाम भारत ही होना चाहिए, भारत के नाम से जानना चाहिए। हमारी कल्चर, हमारी जो धर्म है उसके हिसाब से भारत नाम ही होना चाहिए। महाभारत, महाभारत तो उसमें क्या है, भारत है तो हमारी भारत ही होना चाहिए। और सबसे पहली बात जो है हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। तो जो हमारी माता में भारत ही है तो भारत के अलावा इंडिया नहीं होना चाहिए, इंडिया यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए, भारत के हिसाब से ही चलना चाहिए। हम भारत माता की संतान है तो हमें भारत ही होना चाहिए, भारत माता की जय। तमाम लोग जो है वो यहाँ पे भारत माता के नारे लगा रहे हैं। पीछे देख भी सकते हैं काफी बैनर है जिसमें लिखा हुआ है जब दुनिया के सभी देशों का नाम हिंदी और अंग्रेजों में एक है तो भारत को अंग्रेजी नाम क्यों दिया जाता है, मतलब इंडिया क्यों कहा जाता है। और भी तमाम लोगों से हम खास बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय विचार है। कहाँ से आए हैं आप? मंगोलपुर विधानसभा से। जिस तरह से तमाम आप लोग जो है मौजूद हैं हिंदू राष्ट्र के भी, आपने लिखा भी हुआ लगाया भी हुआ, कहीं ना कहीं आप लोग हिंदू राष्ट्र को भी बढ़ावा देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं जी। तमाम लोग वैसे भी कहीं ना कहीं अब हिंदू राष्ट्र के प्रति, राम मंदिर बन गया है, पर कहीं ना कहीं फिर भी दो लोगों में ना अभी भी हिस्सेबाजी बढ़ी पड़ी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये चीज़ें हो रही है। और आप भारत शब्द चाहते हैं, भारत का शब्द में ही आना चाहिए कि समाज को एकजुट होना चाहिए? भारत हमारी माँ है तो माँ को ही बढ़ावा देना चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसलिए भारत ही सिर्फ भारत होना चाहिए, ना इंडिया होना चाहिए, सिर्फ भारत ही भारत होना चाहिए, यही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये कहना चाहता हूँ मैं कि भारत का नाम जो इंडिया रख दिया गया है इस दब्बे को हमें मिटाना है। और जब भारत राष्ट्र जो राष्ट्र का गान है उसके अंदर भी भारत ही शब्द यूज़ हुआ है, ना कि इंडिया यूज़ हुआ है। जब जो संस्कृति से हमें भारत शब्द मिला है हम उसी संस्कृति के आधार पर चलेंगे, ना कि किसी का शब्द थोपा हुआ हम अपने भारत को नाम देंगे। तो आप लोग अभी जैसे कि क्या कह रहे हैं कि भारत हमें इंडिया नाम नहीं भारत चाहिए, तो इससे पहले क्यों नहीं आप लोगों ने इस बारे में सोचा था? जी देखो ऐसी बहुत सारी अभी भी चीज़ें हैं जिन पर हमने अभी गौर नहीं किया है, जो आज़ादी के बाद से अभी तक बहुत सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे बदलती आई हैं। जैसे जैसे जो चीज़ हमारी नज़र में आती जा रही है उस पर हम कार्य कर रहे हैं, हमारा हिंदू समाज सारा कार्य कर रहा है उस पर। सर आप भारतीय शब्द चाहते हैं, आप भी इंडियन शब्द नहीं आपको पसंद है? हमारे सदियों से जो महाभारत में भीष्म पिता में थे, कृष्ण भगवान थे, भगवान राम थे, उन्होंने भी भारत का ही नाम लिया है। और जो हमारी गीता है, रामायण है, उसके अंदर भी भारत का, भारत माता का ही शब्द है। जहाँ की रीत जहाँ गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, जय भारत माता की। क्या नाम है मैम आपका? सुमन प्रजापति। अच्छा आप सनातन धर्म को मानती हैं? हाँ जी। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमारे देश का नाम भारत माता का, भारत माँ की धरती है, गौ माता धर वो है, तो भारत का नाम भारत ही पढ़ना चाहिए। इंडिया क्या हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर बाबा की भी बहुत चर्चा होती है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी जनता को लेकर, कहीं ना कहीं जनता उनके प्रति जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को लेकर है, पर कहीं ना कहीं मैम हिंदू मुस्लिम आता ही आता है। तो आप लोग भारत शब्द चाहते हैं? सब भारत ही चाहते हैं जी, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। भारत में तो पूरा समाज एकत्र एकजुट होना चाहिए ना, बट कहीं ना कहीं हमारे भारत में ना अभी भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। अब हमारा हिंदू जाग उठा, सब एकजुट ही हैं, एकजुट ही होकर रहेंगे। ये भारत जो आपने पूछा है भारत के बारे में, ये अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की सोची समझी साजिश के तहत उस समय की जो कांग्रेस थी उन्होंने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, इंडिया को इंडिया कहना शुरू कर दिया, भारत इंडिया हिंदुस्तान अंग्रेजों की सोची हुई साजी जो साजिश थी उसको नाकाम करने के लिए आज हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के माध्यम से
भारत का नाम भारत ही रहे, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर भारत ही शब्द कहा गया है, और इसलिए हम भारत की मांग कर रहे हैं। अब आपने कांग्रेस की बात करी तो मैं इस बार में भी पूछना चाहूंगी, जिस तरह से विपक्षी दलों ने अपना नाम इंडियन रखा गया, यूपीआई हटाकर इंडिया रखा है, तो उससे आप उसको, आपको कोई उससे दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अच्छा। कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने संगठन का नाम यूपीआई हटा के इंडिया रखा है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मोदी को प्रश्न करने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार करने के लिए उन्होंने इसलिए इंडिया के नाम पे बुनाना चालू करा है। जैसे उन्होंने भारत बचाओ आंदोलन शुरू किया था राहुल गांधी जी ने, तो उसमें भी कुछ नहीं हो, बड़े 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 नुक्ते लगा रहे हैं कि मोदी जी को कैसे प्रश्न किया जाए, मगर मोदी दामोदर मोदी वो देश को बहुत 2024 में लगता है कि आपको वो आएगी सरकार, बिल्कुल 101 प्लस नरेंद्र दामोदर मोदी 400+ लेकर वहाँ पार्लियामेंट पर पहुंचेंगे। जय भारत जय हिंदू राष्ट्र। पोस्टर्स भी इनके हाथों में है, जहां भी लिखा गया ओनली भारत नॉट इंडिया, भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, जब दुनिया के सभी देशों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में एक हैं, तो भारत को अंग्रेजी नाम इंडिया क्यों? बहुत तमाम लोग जो हैं उन यहाँ पे युवाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हमने खास बातचीत करी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें इंडियन नाम नहीं भारत चाहिए। तमाम लोग जो हैं वो कहते हैं कि सरकार जो पहले अंग्रेज शासन राज करके गया था उनके द्वारा ये नाम दिया गया इंडिया। तमाम लोगों ने बताया कि किस तरह से जो विपक्षी दलों ने नाम रखा गया इंडियन, उनको उस चीज़ से आपत्ति नहीं है, कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं खेल रच रहे हैं, पर जो 2024 में लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें सिर्फ मोदी सरकार आएगी। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ लोगों ने यहाँ पे बोला है, देखिए किस तरह से यहाँ पे लोग वीर बजरंगी के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भारत को भारत ही रहने दो। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट एवं सेवा संघर्ष सुरक्षा से सभी लोग यहाँ पे जो हैं एकत्रित हुए हैं, आप देख भी सकते हैं पीछे कि भारत माता के नारे जो हैं वो लगातार लगते जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे जो है लगातार लगते जा रहे हैं। तमाम लोग हम उनसे साथ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ओमवती। आपने हिंदू राष्ट्र का लगाया, आप मानते हैं कि अभी हिंदू राष्ट्र है, इससे पहले नहीं था हिंदू राष्ट्र? पहले भी हिंदू राष्ट्र पहले था ना, तो एकदम से जो लोग अब जैसे कि बागेश्वर बाबा जो हैं वो हिंदू राष्ट्र को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, और आम जन भी जो है वो कहीं ना कहीं उनके प्रति भी है जो जागरूक हुई है हिंदू राष्ट्र को लेकर। आप लोग भारत नाम चाहते हैं इंडिया को छोड़कर? देखो भारत तो भारत ही है, अब लोग बाग कहने को कुछ भी कहो, जो भारत है वो तो भारत ही रहेगा ना, और जो दामेश्वर बाबा वो भी इनका हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो होगा ही होगा, पर कहीं ना कहीं उन्होंने उन्होंने अब एक कहा है ना कि जो महिला गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती, सिंदूर नहीं लगाती, वो खाली कटोरे के समान है, उस बारे में क्या कहना आपका? नहीं खैर देखो ऐसा नहीं, जो जिनकी परंपरा है वो तो वही चलाएंगे, अब हमारे में मंगलसूत्र पहनते हैं, हिंदू मोमदनों में नहीं पहनते, उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है सिर्फ ये बात, जो और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं के लिए कहा होगा कि जो लोग मंगलसूत्र नहीं डालते और गले में माथे पे सिंदूर नहीं लगाते वो खाली कटोरा के समान है, आपको लगता है बात उन्होंने सही कही है? ये गलत बात है, गलत बात नहीं है और क्या, अब बताओ तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम सिंदूर लगा लोगी? नहीं, लगा लूंगी मैं, तो वो उसने उसी बात में तो चर्चा कर रही है, उन्होंने कहा है कि जो महिला शादीशुदा है ना, जो महिलाएं शादी होने के बावजूद भी गले में मंगलसूत्र नहीं डालती और सिंदूर नहीं लगाती तो वो खाली कटोरा के समान है। क्यों कटोरा के समान रहेंगे? उन्होंने ये बात बोली है, ऐसे कैसे हो जाएगी कटोरा के समान? देखिए तमाम लोग जो है वो तमाम पोस्टर्स महिलाएं मौजूद है जो हिंदू राष्ट्र को लेकर भारत नाम हमारे प्राचीन असंख्य ग्रंथों में सम्मान से लिया जाता है, तमाम लोग जो है वो हिंदू राष्ट्र के साथ साथ इंडियन शब्द को लेकर विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कि वो अंग्रेजी में भी भारत को भारत ही चाहते हैं, ना कि इंडिया को ही कहे। तमाम आप देख भी सकते तस्वीरें किस तरह से लोग रैली कर रहे हैं, जिस तरह से वो भारत को इंडिया कहना बंद करो के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की नारे लगा रहे हैं लगातार, आप देख भी सकते हमारे विजुअल्स में किस तरह से तमाम लोग जो है वो जय हिंदू राष्ट्र के झंडे लेकर भी चल रहे हैं, साथ साथ वंदे मातरम के नारे भी लगातार जो हैं लगाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय विचार है इस वीडियो को देखने के बाद, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी।